चित्रकार विलियम डेनियल ने 1836 में हिंदू महिला की छवि को कुछ इस तरह से चित्रित किया था। महिलाओं के हाथ में जल प्रबंधन पश्चिम के लोगों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। दर्शकों नमस्कार, दिन दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम रियल न्यूज एनालिसिस। भारत में सहस्राब्दियों से जल प्रबंधन का काम महिलाओं के हाथ में रहा है। जल के लिए पवित्रता अहम है और महिलाओं ने सहस्राब्दियों तक अपने इस दायित्व को बाखूबी निभाया है। भारत की तरह अन्य प्राचीन सभ्यताओं में जल प्रबंधन का कार्य करती महिलाएं नहीं दिखती हैं। समय के साथ रोम, यूनान, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता नष्ट हो गई, लेकिन भारतीय सभ्यता लगातार फलती फूलती रही। तो इसकी मुख्य वजह यह भी है कि भारतीय समाज में महिलाओं ने जल प्रबंधन की अपनी भूमिका को बहुत ही बेहतर ढंग से निभाया। इसीलिए जल को जीवन कहा जाता है और कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जिस सभ्यता का जल प्रबंधन जितना अच्छा था, वह सभ्यता उतनी ही बेहतर तरीके से फली फूली। रोम की सभ्यता के नष्ट होने की वजह इतिहासकार हैजा जैसी जल जनित बीमारियों को ही मानते हैं। दूसरी ओर भारतीय समाज में जल लाने से लेकर उसके रख रखाव तक का पूरा काम महिलाओं ने अपने हाथ में रखा और स्वच्छता तथा सफाई का पूरा ध्यान दिया। महिलाओं के कुशल प्रबंधन की वजह से भारत में जल कभी समस्या नहीं बना। जल को लेकर बहुत बड़े संघर्ष भी प्राचीन भारत में दिखाई नहीं देते हैं, मगर बीते कई दशकों से भारत में भी पश्चिमी देशों की तरह, पश्चिमी सभ्यताओं की तरह जल प्रबंधन की जिम्मेवारी पुरुषों ने संभाली है। तब से ही जल को लेकर बहुत सारी समस्याएं, जल प्रबंधन को लेकर बहुत सारे झगड़े खड़े हुए हैं। नहर और पानी के विवाद राज्यों के बीच पनपने शुरू हुए हैं। इस भारत भूमि में वैदिक काल से ही महिलाएं जल प्रबंधन करती आ रही हैं। इसके साक्ष्य अथर्ववेद में मिलते हैं और ये बहुत ही पुष्ट साक्ष्य हैं। अथर्ववेद के एकादश कांड में, यानी 11वें कांड में, प्रथम अनुवाक का 13वां, 14वां और 15वां मंत्र या श्लोक इसे परिभाषित करता है। यही बताता है कि उस दौर में भी, वैदिक काल में भी, जल प्रबंधन का काम महिलाएं ही देख रही थी इस भारत भूमि पर। अथर्ववेद के एकादश कांड के प्रथम अनुवाक के 13वें श्लोक में कहा गया है, परहि नारी पुनरेहि क्षिप्रमपां त्वा गोष्ठो अपरोच्छदय भराय तासा गृहितादं यतमा यज्ञम आसना विवाज्याय धीरी तरह जहिता। अर्थात हे स्त्री, तू जलाशय से जल लेकर शीघ्र लौटा, जिसमें गोएं जल पीती हैं वह गोष्ठ भरण करने के लिए तेरे सिर पर चढ़े। उन जलों में से यज्ञ योग्य जल को ग्रहण करती हुई अयज्ञीय जलों को मत लेना। आगे 14वें श्लोक में कहा गया है, ए मा अभूयोरयशत शुभमाना उतिष्ठ नारी तैसेरवसव सुपत्नी पतया प्रजया प्रजावत्या त्वागनम यज्ञ प्रति कुंभय ग्रभाय। हे अलंकारों से सुसज्जित पत्नी, ये जल लाने वाली स्त्रियां आ गई हैं, तू आसन से उठकर इन्हें ग्रहण कर। तू सुंदर पति वाली पुत्र पौत्रादि से युक्त सौभाग्यवती हो, तू जल के कलश को ग्रहण कर, यह यज्ञ तुझे जल रूप में प्राप्त हो। इसी तरह 15वें श्लोक में कहा गया है, उर्जो भागो नियतो या पुरा वारिसि प्रसिष्टाप या भरेता अयम यज्ञो गतु विन्याथविति प्रजा विदुग्र पशु विदय विर्विदय वो अस्तु। अर्थात हे जलो, ब्रह्मा ने जो सारभूत भाग की तुम में कल्पना की थी, वही यहाँ लाया जाएगा। हे भारे, तू इन जलों को चरम पर स्थापित कर,
यह ब्रह्मोदन यज्ञ मारक को प्राप्त कराने वाले बल देने और पोत्र पौत्र गवादी पशुओं को प्रदान करने वाले हैं। ये यजमान की पत्नी आदि यह यज्ञ तुम्हें इन्हीं फलों को देने वाला हो। तो इस तरह अथर्ववेद बताता है कि वैदिक काल में जल लाने का काम स्त्रियां कर रही थीं, यानी आज से सहस्राब्दियों पूर्व जल प्रबंधन भारत में स्त्रियों ने संभाला हुआ था। स्त्रियों में भी वर्ग बने हुए थे। दास स्त्रियां जलाशयों से पवित्र और यज्ञ का जल अलग तरह से भरती थीं, अलग जगह से भरती थीं, जो दैनिक कार्यों में इस्तेमाल होता था, जो खान पान में इस्तेमाल होता था, उस जल की पवित्रता का पर्याप्त ध्यान रखा जाता था। और जैसे ही वे दासियां घर जल लेकर पहुंचती थीं, तो गृहस्वामिनी स्वयं उस जल को लेकर संभालती थी। इस तरह से स्पष्ट है कि भारत में वैदिक काल से ही जल प्रबंधन स्त्रियों के हाथ में था और उन्होंने अपनी इस भूमिका को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया। यही वजह है कि जब अन्य सभ्यताएं विलुप्त हो गईं, भारतीय सभ्यता लगातार फलती फूलती रही, क्योंकि जल ही तो जीवन है। आज दिल दिल्ली देश में इतना ही। ऐसे ही किसी रोचक विषय के साथ जल्द ही फिर मिलते हैं। धन्यवाद।